Good morning, dear kids. How are you? I hope you all are fit and fine at your home. I welcome you all in today's math class. Dear kids, today we are going to do addition in two ways. Firstly, horizontal way and second one, vertical. Okay? Firstly, we will do addition in horizontal way. फर्स्टली बेटा हम जो है ओरिजेंटल वे में करना सीखेंगे एडिशन. ओके बेटा, अब देखो ओरिजेंटल वे में क्या कैसे स्टेटमेंट आती है एडिशन में. देखो जैसे ये दे रखी है 5 + 2, 3 + 2, 2 + 4, 1 + 6. ठीक है, ये क्या है? ओरिजेंटल वे है. ठीक है, मीन्स आपको स्टेटमेंट ऐसे दी होगी तो ये क्या है आपका ओरिजेंटल वे. हॉरिजॉन्टल वे में भी बेटा हम टू टाइप से टू मेथड से इसको करना सीखेंगे. फर्स्टली क्या है, नंबर नेम और सॉरी नंबर लाइन और सेकंड मेथड मैम बताएंगे. ओके, फर्स्टली वी विल डू एडिशन विद नंबर लाइन. ओके, एंड यूजिंग द नंबर लाइन मींस नंबर लाइन का बेटा ये क्या है, नंबर लाइन है, इसका यूज करते हुए आपने क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्या है आपकी नंबर लाइन. ओके, फर्स्टली बेटा आपका क्या है 5 + 2. अब देखो मैम ने बताया था ना ये किसका साइन है, एडिशन का. किसका साइन है, एडिशन का. ओके, इसको क्या बोलते हैं, प्लस, 5 + 2. ओके, 5 + 2, देखो फर्स्ट आपका जो नंबर है क्या है, 5 है ना, तो आपने 0 से सीधा जंप करना है 5 पे. कर लिया 5 पे, जो बेटा आपका फर्स्ट डिजिट होगा आपने 0 से सीधा उसी पे ही जंप कर देना है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, अब सेकंड डिजिट क्या है बेटा, 2 है ना, तो आपने 2 नंबर आगे जाना है, मीन्स 2 स्टेप आपने आगे जाना है. 5 पे पहुंच गए थे ना, 5 से 6 देन 7. ओके, योर आंसर इज 7. अंडरस्टूड? टेक वन मोर एग्जांपल, 3 + 2. ठीक है, 3 + 2. अब देखो 3 + 2 में आप क्या कैसे करोगे नंबर लाइन का यूज करते हुए. अब फर्स्ट नंबर क्या है आपका बेटा, 3. 0 से सीधा किस पे जंप करना है आपने, 3 पे. नेक्स्ट डिजिट क्या है आपका, 2, मींस नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 है ना, तो आपने क्या करना है, 2 स्टेप आगे जाना है, 4 then 5. ओके, योर आंसर इज 5 एंड राइट हियर 5. अब देखो नंबर लाइन का यूज करते हुए आपको आ गया ना एडिशन. अब हम जो है सेकंड मेथड से करेंगे. ओके, अब देखो फर्स्ट आपका नंबर क्या है इसमें, 2 है ना, तो 2 को रखना है आपने कीप इन योर माइंड. ओके, एंड 4 काउंट ऑन योर फिंगर, कितना है, 4 1 2 3 4, 4 फिंगर अप. ओके, 2 को क्या अगर आपने कीप इन योर माइंड, मींस फर्स्ट डिजिट को आपने माइंड में रखना है और जो सेकेंड डिजिट दिया हुआ है उतनी फिंगर आपने अप करनी है. अंडरस्टूड? वी विल काउंट आफ्टर 2, हम जो है 2 के बाद काउंट करेंगे. ओके, 3 4 5 then 6. ओके, योर आंसर इज 6 एंड राइट हियर 6. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, 1 + 6. अब फर्स्ट डिजिट जो है आपका क्या है, 1 keep in your mind and 6 finger up, 1 2 3 4 5 then 6, 6 finger up, सभी करेंगे 6 finger up. अब for 1 को आपने क्या कर रखा था, keep in your mind. We will count after 1, हम 1 के बाद count करेंगे बेटा. ठीक है, 2 3 4 5 6 then 7, योर आंसर इज 7
एंड राइट हियर सैम. ओके अंडरस्टूड डियर किड्स. नाउ वी विल डू एडिशन इन वर्टिकल वे. ओके एट द फॉलोइंग. बेटा आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, देखो ऐसे दिया हुआ है ना, तो मींस क्या है ये वर्टिकल वे. क्या है ये वर्टिकल वे. ओके बेटा फर्स्टली देखो ये क्या है ओ. क्या है ये ओ. ओ रिप्रेजेंट वंस. ओ रिप्रेजेंट वंस. स्पीक एवरीवन. ओ रिप्रेजेंट वंस. टी. टी रिप्रेजेंट टेंस. ठीक है. ओ रिप्रेजेंट वंस एंड टी रिप्रेजेंट टेंस. अंडरस्टूड. देखो आप ओ वंस मींस टी मींस वन टेंस. ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. हम जो है वो कहां से स्टार्ट करते हैं बेटा, हमेशा वंस प्लेस से. ओके अब ओनली हम वन प्लेस वाले यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, एडिशन सम कर रहे हैं ना, ओनली वंस प्लेस वाले. ठीक है. अब फर्स्ट डिजिट आपका क्या है बेटा टू एंड सेकेंड डिजिट क्या है सेवन. अब देखो फर्स्ट क्या है टू. टू को कीप इन योर माइंड एंड सेवन काउंट ऑन योर फिंगर टिप्स. ठीक है. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन. आपने क्या करनी है सेवन फिंगर अप करनी है. कितनी फिंगर अप करनी है बेटा सेवन फिंगर. टिप्स नहीं, सेवन फिंगर अप करो. ठीक है. वी विल काउंट आफ्टर टू. टू के बाद काउंट करना है आपको. ओके थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट देन नाइन. ओके योर आंसर इज नाइन एंड राइट हियर नाइन. ओके कम टू नेक्स्ट. ओ मीन्स वंस. टी मीन्स टेंस. फर्स्ट आपका नंबर क्या है बेटा एट एंड सेकेंड नंबर क्या है थ्री. एट कीप इन योर माइंड एंड थ्री फिंगर अप. थ्री फिंगर अप. वन टू थ्री. थ्री फिंगर अप. ओके वी विल काउंट आफ्टर एट. एट के बाद काउंट करना है. काउंटिंग आती है ना वैसे करना है. नाइन टेन इलेवन. ओके योर आंसर इज इलेवन एंड राइट हियर इलेवन. अब इलेवन में देखो कितने डिजिट हो गए टू. इलेवन में कितने डिजिट हो गए बेटा टू. तो वन इलेवन ऐसे लिखते हैं ना. अब वन तो ये वाला वन, ये इलेवन हो गया. ये वाला वन तो वंस प्लेस के नीचे आएगा. जो ये सेकेंड वाला वन है बेटा वो किसके प्लेस में जाएगा टेंस प्लेस में. ओके इसमें जाएगा टेंस प्लेस. अंडरस्टूड. कम टू नेक्स्ट. ये फर्स्ट डिजिट क्या है बेटा फाइव एंड सेकेंड डिजिट क्या है थ्री. फाइव कीप इन योर माइंड एंड थ्री फिंगर अप. थ्री फिंगर अप करोगे ना वन टू थ्री. थ्री अप हो गई. वी विल काउंट आफ्टर फाइव सिक्स सेवन एट. ओके योर आंसर इज एट एंड राइट हियर एट. तो आप कहां पे लिखेंगे बेटा वंस प्लेस के नीचे. ओके नेक्स्ट योर फर्स्ट डिजिट सिक्स एंड सेकेंड क्या है वन. ओके अब कितने फिंगर अप होंगे बेटा वन. क्योंकि सिक्स कीप इन योर माइंड. क्योंकि फर्स्ट डिजिट जो होता है वो आप अपने माइंड में रखते हो. ओके एंड वन फिंगर अप. वी विल काउंट आफ्टर सिक्स. सिक्स ना सिक्स के बाद अब वन नहीं है ना तो क्या आ गया सेवन. क्या गया सेवन. योर आंसर इज सेवन एंड राइट हियर सेवन. अंडरस्टूड बेटा. डियर किड्स नाउ वी विल डू प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. ठीक है मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन आपने अब सीखेंगे हम. क्या होती है बेटा प्रॉपर्टी. फर्स्ट प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है व्हेन वन इज एडेड टू अ नंबर. मीन्स आपको अगर गिवन नंबर है फोर फाइव थ्री टू वन कोई भी नंबर में गिवन नंबर में
आप वन ऐड करते हो, द आंसर इज द नंबर, आंसर क्या होगा आपका, दैट कम्स जस्ट आफ्टर दैट नंबर, मीन्स गिवन नंबर के जस्ट आफ्टर वाला नंबर होगा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल टू। अब देखो आपको गिवन नंबर क्या है, टू। ओके, आपने टू में क्या ऐड कर दिया बेटा, वन। टू में आपने क्या ऐड कर दिया, वन, ठीक है। गिवन नंबर में अगर आप वन ऐड करते हो, कोई भी गिवन नंबर में आप वन ऐड करते हो, ठीक है, कंडीशन आपने याद रखनी है, अगर वन ऐड हो रहा है तो, ठीक है, मीन सेकेंड नंबर आपका क्या है या फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, वन है, ठीक है, और सेकेंड नंबर जो है कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप कोई भी नंबर में अगर वन ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ है उससे आफ्टर वाला, जस्ट आफ्टर मीन्स टू के बाद क्या आता है बेटा, थ्री। थ्री आता है ना टू के बाद, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, थ्री। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, फोर प्लस वन। अब देखो गिवन नंबर क्या था, फोर। अब फोर में आपने वन ऐड कर दिया, ठीक है, वन ऐड करना है ना, तो वन ऐड करना है तो फोर के बाद क्या आता है, जस्ट फाइव। फाइव आता है ना, काउंटिंग आपको आती है, फॉरवर्ड काउंटिंग। फोर के बाद क्या आता है, फाइव। तो योर आंसर इज फाइव एंड राइट हियर फाइव। अंडरस्टूड। सेकेंड प्रॉपर्टी बेटा, व्हेन वी ऐड जीरो टू अ नंबर, मतलब कोई भी गिवन नंबर है आपको, अगर आप उसमें जीरो ऐड कर देते हो, जीरो मींस आपने इन द प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डन दिस कंसेप्ट, हम कर चुके हैं ना ये जीरो का कंसेप्ट, जीरो मींस नथिंग, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। गिवन नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हो, द आंसर इज द सेम नंबर, तो आंसर आपका क्या होता है बेटा, सेम नंबर होता है। ओके, जैसे टू है, टू प्लस जीरो, ठीक है, आपने टू में जीरो ऐड की, मीन्स आपने टू में नथिंग कुछ भी ऐड नहीं किया, टू प्लस जीरो योर आंसर क्या होगा, सेम नंबर जो गिवन नंबर है आपका, मीन्स टू, योर आंसर इज टू एंड राइट हियर टू। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एट प्लस जीरो, ठीक है, आपको गिवन नंबर क्या है, एट। ओके, प्लस जीरो, अब आप एट में जीरो ऐड कर रहे हो, गिवन नंबर में आप क्या ऐड कर रहे हो, जीरो ऐड कर रहे हो, ठीक है, अब आपका आंसर क्या आएगा, योर आंसर इज सेम नंबर ना, मीन्स गिवन नंबर, आपको गिवन नंबर क्या है, एट, योर आंसर इज एट एंड राइट हियर एट। अंडरस्टूड।